ये सुर देखिए, इस लय को पकड़िए। नन्ही सी बच्ची के गायकी का कायल न हो। 6 साल की उम्र और संगीत में ये कमाल, मानो ऐसा लग रहा हो माँ सरस्वती खुद वीणा लिए गा रही हो। ये स्नेहल की प्रतिभा का ही कमाल है। स्नेहल ने संगीत के क्षेत्र में आयोजित एक ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता में पूरे देश में अपना परचम लहराया है। 3 से 4 महीने के अंदर आज म्यूजिकल वर्ल्ड करके ग्रुप चलता है फेसबुक पे, जिसमें पूरे भारत वर्ष से अनेकों संगीतज्ञ एवं मतलब कीबोर्डिस्ट, हारमोनियम प्ले करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक कॉम्पिटिशन का आयोजन किया था, उसमें अपने मतलब गायकी के वीडियो को अपलोड करना था। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी इसमें अपनी बेटी का, स्नेहल का वीडियो अपलोड कर दूं। तो जब मैंने मतलब एक खेल खेल में मैंने अपनी बेटी का एक ऐसे ही वोकल रिकॉर्ड करके और उसमें अपलोड कर दिया। 2 से 3 दिन के बाद मुझे मैसेज आता है कि आपकी बेटी जो है वो पूरे मतलब जितने भी लोगों ने वीडियो अपलोड किया था उसमें जो है आपकी बेटी का जो है प्रथम स्थान है। तो ये मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत ही गौरव का विषय था। स्नेहल की प्रतिभा का कमाल देखिए, ये सिर्फ गाती ही नहीं बल्कि हारमोनियम पर उंगलियां भी ऐसे चलाती हो जैसे वर्षों से इसे काम की अभ्यस्त हो। उन्हें हारमोनियम के साथ गाते देख तो यही लगता है कि संगीत के क्षेत्र में इन्हें कितनी ख्याति प्राप्त है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्नेहल क्या, उनके परिवार का ही संगीत में कोई खास बैकग्राउंड नहीं है। स्नेहल की माँ संगीत में रुचि रखती थी पर पारिवारिक कारणों से संगीत को करियर के रूप में नहीं अपना सकी। मैं स्नेहा सोनी, स्नेहल की मम्मी, ये कहना चाह रही हूँ कि स्नेहल ने बहुत ही मेहनत किया है और वो अभी भी कर रही है। इस लॉकडाउन में उसने काफ़ी परिश्रम किया और काफ़ी अच्छा से अपने आप को प्रस्तुत किया। इसका पूरा श्रेय उनके पापा को ही जाता है, उन्होंने उसके पीछे काफ़ी मेहनत किया और आज इस मुकाम पे पहुंचाया। अब नन्ही स्नेहल अपनी माँ के सपनों को पंख दे रही है, जो सपने कभी स्नेहल की माँ ने देखे थे अब स्नेहल उसे पूरी शिद्दत से पूरा कर रही है। इस वर्ष सोशल मीडिया में म्यूजिकल ग्रुप के साथ देश भर में हुए ऑनलाइन संस्कृत कार्यक्रम में स्नेहल ने हिस्सा लिया। स्नेहल को इंटरनेट पर भी काफी सराहा जा रहा है। उम्मीद है स्नेहल संगीत के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल करे। सनमार्ग लाइव 7 के लिए गिरिडीह से राजेश राज की रिपोर्ट।